पहली बार विश्व के सबसे अजीब मुस्लिम देश में पहुंच गए मोदी, फिर दुनिया के सामने अमीर सुल्तान ने किया ऐसा स्वागत, वीडियो देखकर दुनिया के उड़ गए होश। 1700 कमरे, सोने की दीवारें, 7000 कारें, सोने का प्लेन, 16 लाख रुपए में एक बार बनवाता है दाढ़ी। कौन है ब्रुनेई का सुल्तान जिसके दुनिया के सबसे आलिशान महल में रुकेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार दोपहर ब्रुनेई पहुंचे। ब्रुनेई का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, और शायद इसी वजह से ब्रुनेई ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाकर वो कर दिया है जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद दूसरे सबसे अधिक समय तक गद्दी पर रहने वाले सुल्तान हसन अल बोल्किया के आमंत्रण पर ब्रुनेई पहुंचे हैं। दरअसल भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने पर ब्रुनेई जश्न मना रहा है। इस अवसर पर भी सुल्तान ने खुद पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। यूं तो ब्रुनेई अपनी राजशाही और कट्टरपंथी नियमों के लिए जाना जाता है, इसके इतर ब्रुनेई अपने सुल्तान की रईसी, लग्जरी लाइफ, हजारों गाड़ियों के कलेक्शन रखने समेत अजीबोगरीब शौक के लिए भी जाना जाता है। कौन है ब्रुनेई के सुल्तान बोल्किया? तो आपको बता दें, ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनन बोल्किया हैं। बोल्किया की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। साल 1984 में ब्रुनेई को अंग्रेजी राज से आजादी मिली थी। आजादी मिलने पर ब्रुनेई उमर सैफुद्दीन ने गद्दी संभाली थी। 5 अक्टूबर 1967 को हसनन बोल्किया ब्रुनेई के राजा बने। तब से अब तक उन्हीं के हाथों में देश की कमान है। कितनी लग्जरी है सुल्तान की लाइफ, तो आपको बता दें, हसन अल बोल्किया के पास लग्जरी सामानों में सबसे खास है उनका महल इस्ताना नरूर इमान, जो कई एकड़ में फैला है और दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान महल के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये 2 मिलियन वर्ग फुट में फैला है। सुल्तान के महल इस्ताना नरूर इमान में 22 कैरेट सोने का गुंबद बना है। इस महल में 1700 कमरे हैं, 257 से ज्यादा बाथरूम हैं, 110 गैरेज हैं, तो 5-5 स्विमिंग पूल हैं। इस महल में एक साथ 200 से ज्यादा कारें पार्क की जा सकती हैं। इसके साथ ही सुल्तान के पास निजी चिड़ियाघर भी है, जिसमें 30 बंगाल टाइगर और अलग अलग पक्षी प्रजातियां हैं। सुल्तान का नाम 7000 से ज्यादा लग्जरी कार्स रखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बोल्किया के कारों के कलेक्शन में 600 से ज्यादा रोल्स रॉयस, 450 फरारी, 380 बेंटले और पोर्श, लंबोर्गिनी, मेबैक, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू और मैक्लेरेंस जैसी कारें शामिल हैं। उनके पास एक प्राइवेट प्लेन बोइंग 747 भी है, जिस पर भी सोने की परत चढ़ी हुई है। बताया जाता है कि उनके पास $30 अरब से ज्यादा की संपत्ति है। उनकी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार से आता है। सुल्तान के नाई को मिलती है कितनी फीस? अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस तरह सुल्तान का महल प्लेन और कार सोने से सजी है, उसी तरह वो अपने सजने संवरने पर भी जमकर खर्च करते हैं। सुल्तान एक बार हेयर कट कराने के लिए $20,000 अमेरिकी का भुगतान करते हैं। ब्रिटिश समाचार पत्र का दावा है कि सुल्तान का पसंदीदा नाई लंदन में मेफेयर में डोरचेस्टर होटल में ब्रुनेई जाता है। सुल्तान हर बार उसी से बाल कटवाते हैं। इसी सुल्तान के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, जिनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया है।